So what is up everybody, namaste, adab, sat sri akal, hope you guys all are fine, this is Pritam and welcome back to my YouTube channel, Peer Dream Rider. So आज इंडिपेंडेंस डे और आप लोग शायद से ये वीडियो एक दो दिन या तो 16 या तो 17 को देख रहे होंगे, तो जिस वजह से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। और इधर है मेरा एटम जो कि बिल्कुल रेडी है, और इधर मेरे राइडिंग गियर्स वगैरह, मैं तो पूरा 25 महीने से भीग चुका, कितना ज़्यादा गर्मी है। और मैंने इसका टायर जो है वो भी चेंज कर दिया, और इसका जो ये चेन है ये भी चेंज कर दिया। तो बाकी सब इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को रास्ते पे देता हूँ, तो ठीक है, स्टे ट्यून्ड, निकलते हैं अभी फटाफट से। 7 बजे का हमारा रिपोर्टिंग टाइम था, और अभी जो टाइम है वो ये घड़ी सही वक्त पे नहीं चलता है, 7 ही बज गए, तो फटाफट से अभी निकलते हैं, ठीक है, पहनते हैं। अंकल अंकल मोने अरे बहुत हो तो है भला से मॉर्निंग वेलकम। तो अभी जो है हमारा मीटिंग लोकेशन पर मैं आ चुका हूँ। मैंने सोचा मैं ही लेट हूँ, लेकिन नहीं, एकदम परफेक्ट टाइम पर आया। और मैं आप लोगों को आज का एक बार लाइनअप दिखा देता हूँ, हालांकि अभी भी बहुत सारे बाइक आना बाकी है, फिर भी देख लो। हार्ले डेविडसन, ये शायद मीटियोर है, हाँ मीटियोर, स्क्रैम 411, अपाची, हिमालयन, हमारा एटम, उसके बाद एक थंडरबर्ड, उधर है एक एक्सपल्स और एक थार, शायद से और एक थार आने वाला है। और आज हम लोग जाने वाले हैं त्रिशाई वाटरफॉल, तो स्टे ट्यून्ड। मैंने इससे पहले इस जगह को कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, तो मैं आप लोगों को सब कुछ रास्ते पे, मतलब मोटो ब्लॉगिंग पे तो नहीं हो सकता, तो जब मैं रुकूँगा तब आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। तो बस अभी हम लोग ऐसे निकलने वाले, तो बस फटाफट से लोग यहाँ पे चलते, यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स आ गए यहाँ पे, और एकदम पूरा मतलब प्रॉपर जो ग्रुप राइड है वैसा फील आ रहा है, मतलब वैसे ही होने वाला है, पता है, फिर भी इसको आज तो मज़ा आने वाला है यार, फिर भी लेट्स गो यार। জ্বালানো ও না না বন্ধ ঠিকই আছে, জ্বালানো ছিল
अभी बस हम लोग यहाँ पे रीअसेंबल होने के लिए रुके हैं, मतलब थोड़े राइडर्स आगे पीछे हो गए थे और हमारे साथ अभी एक थार पहले दिखा था, अभी दो थार है वो सामने देख सकते हो। तो ठीक है, अभी यहाँ पे सब लोग आते हैं उसके बाद फिर से निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, और थोड़ा पानी पुनी पीते और मतलब थोड़ा सुसु भी लगाए, तो अगर जगह मिल गया तो हल्का हो लेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, मज़ा बहुत आ रहा है, मतलब प्रॉपर जो ग्रुप राइड होता है ना वैसा मज़ा आ रहा है, मतलब ठीक है एकदम। तो अभी हम लोग कुआई पे और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा हमारा ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे हम, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग गया था, ये पता नहीं किसी चीज़ का सब्जी है, ये तो मतलब क्या बोलते हैं सॉस है, और यहाँ पे दो पूरी और बाकी सब दिखा रहे हैं वहाँ पे, तो ठीक है हम भी फटाफट से खाते हैं और निकलते हैं। वैसे कंटिन्यू हो ही रहा था और बीच में हमें मिल गया ऐसा खूबसूरत सा लोकेशन, व्यू देख रहे हो एक बार, मतलब सारे पैसे वसूल और मेरा बाइक तो एकदम स्मूथ या तो पहले से एकदम खतरनाक चलता है, ठीक है। तो ठीक है अभी सारे लोग यहाँ पे रुके हैं, बहुत फोटो फोटो खींचते हैं उसके बाद यहाँ पे निकल सकते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे थोड़ा पानी पुनी लेने के लिए रुके और यहाँ से भी बहुत अच्छा वाला व्यू आएगा थोड़ा आगे जाने के बाद, और यहाँ पे सारे बाइकर्स हैं हमारे और थोड़ा पानी पुनी पीते उसके बाद यहाँ से निकलते। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बाइक पे कहीं पे कीचड़ नहीं है, सिर्फ इतने से पोर्शन पे कैसे कीचड़ लग गया, पूरा बाइक मेरा क्लीन है। मैं इससे पहले जब रुका था तब मैंने देखा कि सिर्फ इतने से पोर्शन में है और पूरा बाइक मेरा क्लीन है, देखो कहीं पे कोई कीचड़ नहीं है, ठीक है। तो पता नहीं ये कैसे इतने में लग गया। तो ठीक है अभी बस हम लोग ऐसे निकलते हैं और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा, 17 या 18 किलोमीटर के आसपास है, तो लेट्स गो अभी चलते हैं, मोटर ब्लॉगिंग से मिलते हैं आप लोगों से।
तो अभी हम लोग बस पहुंच ही गए हैं और इतने सारे में से आधे से ज़्यादा बाइक हमारे ग्रुप पे ही है और हमारा सामान जो है वो इस थार में है, तो बाकी सब बढ़िया। अभी चलना पड़ेगा, अभी मैंने देखा है उधर, मतलब अगर देख सकते हो तो इधर देखो, यहाँ से उतरना पड़ेगा फिर उधर से ऊपर ट्रैकिंग करना पड़ेगा। मतलब अभी भी लगभग पकड़ के चलो एक या 1.5 किलोमीटर के आसपास अभी ट्रैक करना पड़ेगा इतने गर्मी में। तो ठीक है, लेट्स गो। अभी सब कार्ड कूट पहनाओ तो इन सभी खोलते हैं और फिर लेट्स गो। तो बस अभी हमारा जो ट्रैक है वो शुरू हो गया है। ठीक है, और ठीक है, यहाँ से कैमरा होने क्या, धूप में दिखाई भी नहीं दे रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा ठीक है, बोलता हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर से बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 720 मतलब 720 के आसपास जो है ये सीढ़ी है, तो इसे पहले पार करते और 1 किलोमीटर चलते, उसके बाद अगर जिंदा रहे तो मिलेंगे फिर से। तो बस हम लोग पहुँच ही गए और यहाँ से वो उधर वाटरफॉल, तो जितना ज़्यादा सोचा था उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन मेरा मानो तो गर्मी में मत आओ, क्योंकि पसीने से आइडिया लगा ही सकते हो कि कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ मैं। तो ठीक है, चलते हैं अर्णव जी, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो फाइनली हमने यहाँ पे जो वाटरफॉल का वो एक मस्त व्यू मिल चुका है और यहाँ से काफ़ी ठंडा हवा भी आ रहा है, जो जिस वजह से अभी क्या होती है ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो और यहाँ पे कुछ लोग नहा आ रहे हैं और उतरना उधर से होता है। तो ठीक है, अगर देखते हैं, अगर सब लोग उतरे तब उतरेंगे, अकेले तो नहीं उतरूँगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी जाके बहुत ही लग रहा है, अभी सही किया इतना ज़्यादा मेहनत। तो अभी जो है वाटरफॉल घूम फिर के हम लोग वापस जा रहे हैं और आते वक्त तो हम मज़े में आ गए थे, अभी जाते वक्त सब लोगों का हालत टाइट हो रहा है। तो ठीक है, फटाफट से अभी मतलब धीरे धीरे अभी ऊपर चलते हैं। नहाने आए थे, नहीं नहा के गमछा छत के ऊपर दे के जा रहे। तो ठीक है, अभी चलते हैं ऊपर, उसके बाद थोड़ा बैठते, थोड़ा सांस लेते, उसके बाद घर की ओर चलते। साढ़े तीन, साढ़े तीन हो रहे हैं और अभी हमारा राइडर सब तैयार हो रहे हैं, बस अभी यहाँ से निकलने वाले, फिर से 3 घंटे का रोड ट्रिप स्टार्ट होने वाला है हमारा। तो लेट्स गो, और पहले कुछ खाएंगे उसके बाद घर को निकलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। भाई साहब, मैंने अब जाके देखा कि हमारे ग्रुप में इतने सारे बाइक्स है, वहाँ तक अभी हमारे ग्रुप का बाइक्स, मतलब लगभग पकड़ के चलो 20-21 तो बाइक होगा ही अभी। तो ठीक है, अभी ऐसे मज़ेदार रोड का मज़ा फिर से लेते हुए हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स घर। ठीक है, तो बस अभी हम लोग थोड़ा खाने के लिए रुके हैं, क्योंकि सुबह जो खाया था पराठे, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया, तो थोड़ा तो भूख लग गया है। और मैं आप लोगों को एक बार बाइक्स जो है वो काउंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, उधर देख सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छः इधर है, 6 7 8 9 10 10 और 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 मैंने 21 बोला था, 22 बाइक है।
तो अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं हमारा लंच, तो पहले कुछ खाते हैं फिर, और कैमरा का जो है वो बैटरी भी ख़त्म होने को है, मतलब शायद से और मुश्किल से ही आधा घंटा रिकॉर्ड कर पाएगा, तो स्टे ट्यून्ड, अगर कुछ होता है तो मैं दिखा दूँगा, मतलब ऐसे लॉन्ग टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ अभी। हम खा पी के बस जा ही रहे थे और मुझे मिल गया एक नया स्टिकर, मतलब इस ग्रुप का स्टिकर, द रोड बर्नर्स ऑफ त्रिपुरा। तो यहाँ पे तो आरसीबी का है, एनबीआर का भी है, तो इसे लगाएंगे इसके ऊपर या फिर इधर कहीं पे, ठीक है। अभी हम लोग घर जा रहे थे और बीच में हो गया बारिश, जिस वजह से हमने पूरा रेनकोट वेनकोट पकड़ लिया, पहन लिया, सबने पहन लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद एकदम सूखा हो गया। और भाई रात में राइड करने में, मतलब अभी तो इतना अंधेरा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी जो मज़ा आ रहा है ना, मतलब सारे बाइक्स के हैज़र्ड्स ऑन है, इसका फ़िलहाल नहीं है, इसका भी था, इसका ऑन है, और आगे हमारे ग्रुप के ज़्यादातर बाइकें हैं उनका भी ऑन था, लेकिन जो मज़ा आ रहा था ना देखने में, जो ख़तरनाक वाला सीन लग रहा था। और इधर का व्यू एक बार चेक करो, उधर दूर पे घरों का लाइट जल रहा है, अगर देख सकते हो तो एक सेकंड जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो उधर भी जल रहा है और इधर भी है, आ गया, इधर भी है। तो ठीक है, अभी बस घर ही चलते हैं। और मैंने तो पूरा मतलब अपने सेटअप को वाटरप्रूफ बना लिया, तो वाटरप्रूफ बनाने का एक डिसएडवांटेज ये है कि उस पर फॉग इकट्ठा हो जाता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो ठीक है। और यहाँ पे हमारे मतलब ग्रुप के जो सीनियर्स हैं उनका कुछ शायद से पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात हो गया, तो ठीक है, स्टे ट्यून्ड। अभी वैसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा खुआई पे रुके हैं, मतलब चाय पीने के लिए, तो सब लोग इधर ही है राइडर्स, तो बस और उधर हमारे बाइक्स पार्क है, तो बस यहाँ से थोड़ा थोड़ी देर चाय पीते हैं, और यहाँ से अगरतला अभी भी 50 किलोमीटर से, तो चाय पीते हैं, फटाफट से निकलते हैं, और बारिश भी हुआ तो मस्त हुए। तो भाइयों अभी मैं सेफ एंड साउंड घर तक पहुंच चुका हूं, और अभी जो टाइम है वो हो रहा है 9:30 हो रहे, निकला था मैं 7 बजे, मतलब 12, 13, 14, 15 घंटे के आसपास हो गया मैं घर से बाहर ही हूं। और मैं आप लोगों को टोटल किलोमीटर दिखा देता हूं कि मेरे घर से कितना किलोमीटर हुआ है अभी तक, ठीक है। एक सेकेंड, चाबी की तरीके चाबी मेरे पॉकेट में डाल दिया मैंने, जस्ट अ मिनट, ये हुआ फोकस के लिए 217 किलोमीटर, मतलब जाना आना मिला के। तो ओवरऑल राइड बहुत मस्त किया, सिर्फ बीच में मानो तो 10 किलोमीटर, मतलब पूरा राइड को मिला के 10-12 किलोमीटर के आसपास थोड़ा सा टूटा फूटा ऑफ रोडिंग है, बाकी पूरा रास्ता एकदम मक्खन जैसा है, मतलब एकदम पूरा मज़ा आ जाएगा। और ये ब्यूटी तो है ही, एकदम खतरनाक वाला परफॉर्मेंस देता है। बस दो बार ना एक मतलब इतना बड़े बड़े पॉट होल्स में गिर गया था, तो मुझे लगा इसका रिम के बैंड ना हो जाए, बाकी सब बढ़िया। तो मिलता मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो मैंने सुबह कहा था कि 16 या 17 को आएगा, लेकिन ये वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी दिन और डिले करके डालूँ, क्योंकि मैंने ये राइड करके मतलब मैं इतना खुश हूँ, तो आप लोग भी वीडियो देख के एकदम खुश हो जाए, मैं भी यही चाहता हूँ, जिस वजह से बाकी सब लोगों का फुटेज मतलब ग्रुप में आने देते हैं, उसके बाद वीडियो को अच्छे से एडिट करके मैं पोस्ट करूँगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, मिलता मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपका ये पूरा दिन का ये छोटा सा टाइम मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।